वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, आइडिया दे रही हूँ। बस करो पागल, तुम ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रहे? नहीं, मैं सच में फैन हूँ मैम। मैंने कल आपको देखा था, वो बड़ा डंडे वाला झाड़ू लेके आप जो सड़क पे कर रही थी। ए, हंस क्या रहे हो? नहीं मैम, स्वच्छ भारत के लिए जो आप करती हैं, ऐसा कौन करता है देश के लिए? हाँ? हाँ? देश के लिए तुम लोग करते होगे, मैं तो पेट के लिए करती हूँ। क्योंकि टांगे दिखा के कब तक पैसा कमाऊ, अब तो कोई टांगे देख के भी पैसा नहीं देता, फोड़े हो गए ना दो बार। पूजा मैम, वो निकुल सर ने पूछा है कि ब्रेक हो गई है, तो आप क्या खाएंगी? ये पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, टकला। ओह सॉरी, कैरेक्टर है हमारे। मैम क्या क्या खाएंगी? मैं रितेश ने क्या ऑर्डर दिया है? रितेश सर ने चिकन बर्गर। वो क्या होता है? ओह चिकन बर्गर। हाँ मैम। विवेक ने मार्गरिटा पिज्जा। वो क्या होता है? और आफ्ताब? आफ्ताब सर कह रहे हैं कुछ भी, मतलब राजमा चावल भी चलेगा। ठीक है, मेरे को तीनों चीजें ऑर्डर कर दो। ओके मैम। मैम पैसे? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वड़ा पाव मिलता है आसपास। मैम मिलता है मैम, आप 20 रुपए दे दीजिए, मैं अभी ले आता हूँ। 20 रुपए? आज मेरा व्रत है। मेरा संडे का व्रत है। वैसे भी मेरे लिए ना शूटिंग में खाना मत लाया करो, इंद्र कुमार मेरे लिए घर से खाना लाते हैं, इतना टेस्टी खाना होता है ना, मैंने कितनी बार कहा, मैं कहा इंदु जी कैसे इतना अच्छा खाना होता है, कहते बस विवेक के हाथों का जादू ही अलग है। विवेक सर। मैम पूजा मैम, मैं स्पॉट बॉय हूँ, बट पूछना मेरा मतलब बनता नहीं है, बट मुझे पीछे लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे फिल्म में आपसे ज्यादा काम उर्वशी का है। क्या तो क्या हुआ, तुम लड़ाई पढ़वा रहे हो? मेरी फ्रेंड है वो, समझे क्या हो गया? मैम एक मिनट, फोन आया। हेलो, सलमान खान आ रहे हैं। सलमान खान? अच्छा, ओह रितेश देशमुख और विवेक ओबरॉय। अच्छा ठीक। तुम ढंग से सुन नहीं सकते पहले? नहीं मैम, मेरी स्कर्ट फड़वा दी, मुझे लगा सलमान खान आने लगे हैं। मैम विवेक सर भी यहाँ हैं। मैम बहुत बड़े पहले स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। जोरदार तालियां विवेक के लिए, क्योंकि उनको पता है वो जैसी फिल्में कर रही है कल को उनके लिए कोई नहीं लिखेगा, फिर खुद ही लिखना पड़ेगा। मैम ऐसे मत बोलिए, आपको पता नहीं है बॉक्सर रह चुके हैं वो। बहुत अच्छा किया उन्होंने बॉक्सिंग सीखी, क्योंकि काल में मैंने इनकी एक्टिंग देखी थी, लोग भी देखेंगे ना तो कभी कभी दो दो हाथ होना पड़ सकता पब्लिक के साथ। मैम क्या बात करें, काल मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं फैन था। उसके बाद डायरेक्टर के पास मिस काल के भी पैसे नहीं बचे थे। जब मैम आप कुछ भी बोलती है, शूट आउट एंड लोखंड वाला नहीं देखी, कितनी अच्छी फिल्म थी, इनकी वजह से चली थी। हाँ कोई तो बंदा ऐसा होना चाहिए था जिसकी शक्ल देख के शूट आउट करने का मन करे। तो ये थे वो। गणपत, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, पता है विवेक के पापा तो कहते रहते फिल्म कर, ये कह रहे पापा मेरी फिल्म आ रही है, बस जो ग्रैंड मस्ती पापा ने देखी, कहते बस अब मेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा, अब तेरा सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकता हूँ। भारती। क्या तू पूजा की आड़ में ज्यादा बकवास नहीं कर रही है? हाँ तो भारती थोड़ी बोल रही है, ये सारी टांग खिंचाई पूजा ने की है, उसको पकड़ के मारो, भारती तो कुछ भी नहीं बोला। और वैसे भारती तो वैसे भी किसी के बाप से नहीं डरती। अरे कृष्णा आ गया। जोरदार ताली हो जाए भारती और करण के लिए। मेरे तरफ से, मेरे तरफ से। आज पूजा बनी है इसलिए, वरना तेरे को तो हाथ भी ना लगाऊं मैं। वैसे पूजा कम खरबूजा ज्यादा लग रही है। भारती निकुल सर को पप्पी देने वाली बात किसने कह दी? निकुल सर ने बता दिया, अभी उनकी बीवी देखेगी। करण बहुत बढ़िया, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं बहुत जल्दी आप स्पॉट बॉय बनेंगे। बता
ये पहला स्पॉट बॉय जो चाय भी नहीं बना पाता ना करियर बना पाता है। चलिए करण के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा जी यही लोग बैठे रहेंगे? नहीं यार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पूजा अपनी है, पूजा को उठा इसको एक एक्ट में बिठाया बहुत है। हाँ। रितेश बहुत हंस रहे थे, इनको बिठाते हैं, क्या बोलते हैं ऑडियंस? पूजा आप आ जाओ ना। रितेश कृष्णा अभी कौन आने वाला है? अभी आ रहे हैं हमारे नए टक रघु, पूजा और श्रुति। लेकिन क्या करने? क्या करने? मैं बताती हूँ, विवेक जी ने जनता पे केस कर दिया है। हाँ केस कर दिया, कोर्ट रूम ड्रामा लेके आ रहे हैं रघु, श्रुति और पूजा। ये थैंक यू अच्छा लगता है रूढ़ी से बाहर आके, बहुत अच्छा लगता है सचमुच। ऐसा लगता है कि किसी की तारीफ करने को मिलेगा मुझे, मगर सामने बैठे हैं मेरे भाई विवेक, जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूँ, अब क्या करूँ। थैंक यू। अपनी पहली ही फिल्म कंपनी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले विवेक के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब उसी लोहे को बेच बेच के 3-4 साल से गुजारा करने वाले विवेक के लिए। अच्छा अच्छा है। मैं आपको बता दूं, ये बचाव वालों ने बोला था कि सिंपल एक्टिंग करनी है सर, कुछ ज़्यादा नहीं, जज बनना है। मैंने कहा ठीक है, जज बनने की तो आदत है, बन जाएंगे। यहाँ पर ये काला कोट थमा दिया, बोला कि आप ऐसे जज हो। ठीक है यार, अब बन ही गए तो शुरू करते हैं। ओके ऑर्डर, एक वड़ा पाव, 2 तंदूरी नान, 1 दाल तड़का। मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं क्या? मैं अरे आपने कहा मैं आपको वेटर समझ रहा हूँ। कैसी बातें करते हैं यार, कैसी बातें करते हैं भाई। हमारे हमारे लिए भी मंगा दो, थोड़ा सा मीठा जहर मंगा दो। अरे 2 के लिए मंगा दो, 3, यहाँ पर आफ्ताब भी हैं। आफ्ताब का कटआउट है, क्या बात है क्या बात है क्या बात। ये एक्चुअली ओरिजिनल आफ्ताब को लाने वाले थे, मैंने मना किया। मैंने बोला वैसे सेम एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है सर। जज साहब ये केस बेबुनियाद है, विवेक ओबरॉय ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या अच्छी एक्टिंग? नहीं, वो तो वो करते हैं। अरे विवेक ओबरॉय ने सीधा पब्लिक पर केस कर दिया है। हा? कहते हैं कि भाई मेरी सारी फिल्में एंटरटेनिंग है, पब्लिक को समझ में नहीं आती। हाँ तो उनको बोलो खुद की फिल्म प्रिंस देख के बताएं, केस खत्म हो जाएगा। तो आपका मतलब है वो केस वापस ले लेंगे? अरे केस तब वापस लेंगे जब होश में रहेंगे, शुरू होने के 10 मिनट के अंदर बेहोश नहीं होना, नाम बदल देना। एक बार प्रिंस चार्ल्स ने देख ली इनकी फिल्म, फिर बौखला गया, कहते आज के बाद पप्पू बुला देना, लेकिन प्रिंस बुला दो खबरदार। एक मिनट जज साहब, ये जो यहाँ बैठे हैं इनको पहले कहीं देखा है? अरे बेवकूफ, ये बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, जाओ ऑटोग्राफ ले लो इनका जल्दी। भाई बड़े सुपरस्टार तो विवेक ओबरॉय भी रह चुके हैं, अब क्या जाके उनका ऑटोग्राफ लूंगी मैं? ये विवेक ओबरॉय है, गौर से देखो ये कंपनी वाले हैं। अरे वाह, लड़के की तरक्की हो गई, कंपनी में नौकरी मिल गई इसको। ये नौकरी वाली कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म है, उसके बाद साथिया सुपरहिट, मस्ती सुपरहिट, क्रिश 3 सुपरहिट, ओमकारा सुपरहिट। तो ऑडियंस 80 फिल्में करने के बाद 4 सुपरहिट फिल्म देने वाले विवेक के लिए तालियां। बाकी सारी फिल्में भी हिट हैं, ये सुपरहिट है, मेरी फेवरेट है। टाइमिंग ब्रो, टाइमिंग। भाइयों ये जो सेलिब्रिटी है ना, बहुत ही कमाल के इंसान है, इतने भोले हैं ये। मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत भोले हैं वो, और खासकर अपने फैंस की भी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ, अभी पीछे एक स्कूल बस में से एक बच्चे ने हाय बोल दिया ऐसे, वहीं अपना ऑटो पार्क किया और भाग के चढ़ गए बस में कि चलो इतने साल बाद बच्चा ही सही, किसी ने पहचाना, एक सेल्फी तो बना। तो वो आप थे, क्योंकि मेरी बच्ची ना स्कूल से, उसे कहा मम्मा एक अंकल आए थे, उन्होंने फोटो लिया, कहा मैं सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार हूँ। बच्चे बड़े प्यार करते हैं आपको। लेकिन देखिए देखिए, ये सब बातें अलग, मुझे इस वक्त केस की कार्रवाई आगे लेके जानी है, तो आप मुझे बताइए कि इस केस में गलती किसकी है, विवेक ओबरॉय की के पब्लिक की? पब्लिक की है, पब्लिक की है, पब्लिक की। Oh!
आप हैं कौन? जी मैं विवेक की वकील हूं। ओ नो चलो, नो नो केस हम जीत गए। विवेक भाई लॉयर तो हिट रख लेते आपका बकवास हो जाए तो हम मुकदमे को आगे बढ़ाए। हाँ जरूर। आप है ना मेरे मुवक्किल का केस सॉर्ट कीजिए। अरे उनकी क्या गलती, वो बहुत अच्छे एक्टर है यार, इन लोगों को समझ नहीं आती इनकी एक्टिंग, तो हमारी कोई गलती है। मैं ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके लिए मैं बहुत आप ये बताइए मैम साहब, मिशन इस्तांबुल देखिए? नहीं। कुर्बान? नहीं। रक्त चरित्र? नहीं देखी। जयंता भाई की लव स्टोरी? नहीं नहीं देखी। तो आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप दूसरों की किस्मत पे क्यों रो रही हैं? परेशान नहीं।